लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है पीटर। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे। आपकी जिंदगी और उस बेकसूर की मौत के लिए जो बिना वजह मौत के लपेटे में आ गया। मरते तो सिर्फ बेकसूर हैं, कसूरवार तो हमारी तरह ऐश करते हैं। शरीफों की जबान में कलयुग जो ठहरा। बेचारा राणा हर सांस मेरी सांस खत्म करने के लिए ले रहा है, पर अफसोस उसे ये बचकाना आरजू साथ लेकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। Yes. पता नहीं कितने पुलिस अफसरों ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और कुछ की वर्दियां उतर गईं। डीके साहब, राणा के आदमी ने पीटर को बहुत मारा। वो तो उसे मार ही डालता, लेकिन अचानक पुलिस आ गई। कौन था वो? वही साहब, जय। जय है मेरा नाम माजी, मगर आप मुझे नहीं जानती। माथुर अंकल और मेरे पिताजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बेटे, उन्होंने तो तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। यही तो खूबी थी उनमें, एक हाथ से देते दूसरे हाथ को पता न चलता। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी उन्हें पहनाता तो भी कम होता। मुझे जब पता चला कि माथुर अंकल ट्रांसफर होकर बंबई आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश था, लेकिन क्या मालूम था कि ये खुशी गम में बदल जाएगी। सच कह रहे हो बेटे, उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कंपनी से घर मिला था, कुछ दिनों में ये भी छोड़ना पड़ेगा। एक बेटे के होते हुए उसकी माँ और बहन कभी बेसहारा बेघर नहीं हो सकती। मेरा घर आप ही का घर है माची, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आने से मुझे माँ की ममता और बहन का प्यार मिल जाएगा। मगर बेटे, देखिए ना कहकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा तो रिको, हम चलते हैं। राणा अपने आदमियों के साथ हमें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा और हम इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिस्टर माथुर। चलो अपने आदमियों को बड़े ही प्यार से आखिरी बार गुड बाय करो। Come on.
मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम जा सकते हो जय। अब याद करो पीसी माथुर, अब याद करो। मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। पांव पड़ हमारी बीवी के जिसका तूने कत्ल किया, पांव पर हमारे दो मासूम बच्चों के जिनको तूने मार डाला। भाग भाग कहां तक भागेगा? हाँ साहब, राणा ने माथुर साहब को। राणा, अब तेरी मौत का दिन आ ही गया। राणा, मारो राणा, राणा। राणा तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं। छोड़ दो इन्हें। राणा के घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे मेहमान का सलूक किया जाता है। डीके, अंदर चले आओ। राणा, एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया, रीकू को उठवाया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज पीसी माथुर को मारकर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूँ। आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझोगे राणा की चौखट पे खड़े हो डीके। अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। और सुन लो, कान खोलकर, हर पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे मोहल्ले में ही आकर गणपति की पूजा करेंगे। और तुमने अगर हकीकत में अपनी मां का दूध पिया है तो राणा के कदमों को रोक कर देखना।